बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी से गुल गुल से स्पाइसी से कोफ्तों का सालन। तो चलिए फिर इस रेसिपी को जो है वो करते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पे मैंने चॉपर में जो है 1 किलो कीमा जो है वो मैंने ले लिया है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा 1 किलो, जिससे मैं बनाऊँगी यहाँ पे कोफ्ते। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 गड्डी जो है वो हरे धनिए की मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। साथ ही यहाँ पे 7 से 8 अदद ये देखें छोटी बारीक हरी मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और 5 जवे जो है वो लहसुन के ऐड करके अभी मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी इन तमाम चीज़ों के साथ। 1 चाय का चम्मच रेगुलर लाल मिर्च है वो मैं डाल ली हूँ इसमें। चलें ये मैंने ऐड कर दिया है। चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर। चलें जी ये तमाम चीज़ें चली गई हैं। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैं इसमें कच्चा बेसन ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नींबू का रस। मैं इसे दोबारा जो है इसे ग्राइंड करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा बिल्कुल रूखा रूखा कोफ्ते का जो गोश्त है यहाँ पे पिसाया है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब ऐड करने लगी हूँ नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो हम घर में यूज़ करते हैं, और इसको अच्छे से इसमें कर देती हूँ मिक्स। मैं इसके बना लूँगी नॉर्मल साइज के बॉल्स। मैंने यहाँ पे तमाम बॉल्स जो हैं वो बना ली हैं। अब मैं करूँगी इसको फ्राई। मैंने यहाँ पे देखिए जो है उसे गरम कर लिया है, और उसमें 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल जो है उसमें ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है। अब मैंने एक बड़ी प्याज जिसे मैंने यहाँ ग्राइंड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके, अब मैं इसको करूँगी इसमें ऐड। साथ यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया हुआ है जिसको जो है मैं कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। साइज़ का टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। चलिए 1.5 टीस्पून इसमें। साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच इसमें चली जाएगी हल्दी, धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच इसमें डालनी हो अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को गैदर करने के बाद अब मैं इसको इतनी देर यहाँ पे भूनूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुना जाए। यहाँ पे देखिए मसाला जो है अच्छी तरीके से भुनाया जा चुका है, एक खूबसूरत सा कलर जो है वो आ गया है, खुशबू तो बस ऐसी उड़ी है कि क्या ही बात है। अभी इस स्टेज में मैं करूँगी फ्लेम को यहाँ पे स्लो, और कोफ्ते जो हैं वो जो मैंने बनाए थे इसको जो है इसमें मैं रख दे रही हूँ। चले जी कोफ्ते रख देते। फ्लेम को मैं करूँगी स्लो पे, और इसको कवर करके मैं यहाँ पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको रहने दूँगी, फिर आपको बताती हूँ। 7 मिनट्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज में इसमें चम्मच नहीं चलाना है तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें जितना मुझे शोरबा लगाना है मैं उतना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए जी पानी जो ऐड कर दिया है इसको मैंने बस तेगची को पकड़ के हल्का सा मैंने मूव कर लिया था। अभी इस स्टेज में थोड़े से मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरा धनिया, और यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने ली हुई हैं हरी मिर्चें। इसको चलिए जी इसमें कर देते हैं ऐड, और अब मैं इसको हल्की आँच पर कवर करके तेल ऊपर आने तक इसको रहने दूँगी। दार सा यहाँ पे कोफ्तों का सालन तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।